नमस्कार, सौम्याज किचन कॉर्नर में स्वागत है आपका। आज की हमारी रेसिपी है मैगी। आज हम मैगी बनाएंगे जो बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 प्याज लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। हमने 2 टमाटर लिए हैं छोटे छोटे से टुकड़ों में कटे हुए। टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। एक शिमला मिर्च ली है हमने कटी हुई, 1 गाजर ली है, थोड़ी सी मटर ली है हमने, हरा प्याज डालेंगे। इन सभी चीजों को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और अब हम इसमें दूसरे कोई मसाले नहीं डालेंगे। ये हमने मैगी मसाला लिया है, इसे हम डालेंगे 1 चम्मच। क्योंकि हम इसमें सब्जियां ऐड कर रहे हैं और मैगी मसाले के जो पाउच होते हैं वो उसमें मसाला थोड़ा कम होता है, वो मैगी के हिसाब से ही होता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मैगी मसाले में भी नमक होता है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे 1 उबाल आने तक पका लेते हैं। अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम मिला देते हैं मसाले को। अब हम इसमें मैगी डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 पैकेट मैगी ली है, इसे आप तोड़ कर डाल दें। अब हम इसे पका लेंगे। मैगी सॉफ्ट होने लगी है। इसमें हम 2 चम्मच टमाटो सॉस ऐड करेंगे। मिला देंगे अच्छी तरह से। मैगी तैयार है। गैस का फ्लेम करते हैं बंद और अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। थोड़ा सा हरा प्याज, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज डालेंगे ग्रेट करके। गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी मैगी तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करें।